नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। मैं हूं नसीम सिद्दीकी। हम आए हुए हैं पनियरा विधानसभा के बरियारपुर गांव में। हमारे साथ हैं कांग्रेस के भावी प्रत्याशी श्री वशीद्दीन सिद्दीकी साहब। हम इनसे जानेंगे कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि ये जन क्षेत्र में काफ़ी पसीना बहा रहे हैं, तो इतना दिन हो गया सर, क्या लगता है आपको कि पनियरा विधानसभा की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? पनियरा विधानसभा की प्रमुख समस्या जो है, शुद्ध पेयजल नहीं है, सड़क नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और सड़कों का तो ये हाल है कि आप किसी रूट से सुरक्षित नहीं निकल सकते, आपका दुर्घटना जो है होना लाजमी है। किसान जो धरना दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि गांव में फसल MSP पे बिकती है? नहीं नहीं, यहाँ आप खुद पता कर लीजिए, 80% जो है बिचौलियों के हाथों मजबूरन किसानों को अपने धान गेहूँ बेचने पड़ते हैं। MSP जो है सरकारी आंकड़ों में रहता है, जमीन पे नहीं उतरता है। शुद्ध पेयजल का सरकार ढिढोरा पीटती है कि हर जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई है, क्या लगता है आपको पनियरा विधानसभा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई है? नहीं, मैं और चाहे आप इस इलाके से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, कहीं भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आदमी जो है मजबूरन पानी खरीद करके, जो सप्लाई वाले हैं उनसे पानी खरीदता है, 20 रुपया 10 रुपया जो भी जिसकी औकात रहती है उस हिसाब से वो पानी खरीद करके अपना इस्तेमाल करता है। क्या कोरोना काल में क्या लगा आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की जनता में जो सरकार के प्रति आक्रोश है वो चुनाव में दिखेगा। जनता खामोश है और चुनाव में जनता सरकार को भरपूर जवाब देगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? जरूर जरूर, इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि मुझे ज़मीन पे बोला गया कि आप ज़मीन पे उतरिए और मैं ज़मीन पे बखूबी उतरा हूँ। मेहनत तो मैं आपकी टीम मेहनत कर रही है, पसीना बह रहा है, ये तो हम लोग देख रहे हैं।